जिला कांगड़ा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दोपहिया वाहन चालकों को सुरक्षित करने के लिए जिला पुलिस ने सुरक्षित हूं मैं अभियान सोमवार से शुरू किया है, जिसके तहत अब दोपहिया वाहनों पर चालक के साथ साथ पीछे बैठे सवार को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। एएसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल ने बताया कि अभियान के तहत 15 मार्च तक जिला पुलिस वाहन चालकों को जागरूक करेगी। इसके उपरांत यदि नियमों की पालना नहीं होती है तो चालान काटे जाएंगे। इस दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को हेलमेट पहनने को जागरूक किया जाएगा कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहने तथा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। एएसपी ने बताया कि जिला कांगड़ा में नशे पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने नई पहल की है, जिसके तहत शाम को बस स्टैंड, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास और बाजारों में पेट्रोलिंग की जाएगी। यही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर भी कोई सरेआम नशा कर रहा है और उसकी शिकायत पुलिस को मिलती है, ऐसे मामलों पर भी पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। जिला पुलिस ने जो है इसके एक्सीडेंट्स के जो है एनालिसिस किया गया, यहाँ पे जो थे तो पाया गया जो टू व्हीलर्स के जो एक्सीडेंट्स है यहाँ पे, उसमें जो है कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि सुरक्षित हूँ मैं एक अभियान जो है कांगड़ा पुलिस चलाएगी, जिसके तहत हम सभी युवाओं से अपील करते हैं, जो भी टू व्हीलर बाइक स्कूटी चलाते हैं उन सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप हमारे इस अभियान के साथ जुड़ें और अपने आप से वॉलंटरली अपने आप भी हेलमेट पहने और जो पिलियन राइडर है उसको भी हेलमेट पहनाएं। प्राय देखा गया है, हमें लगता है कि जो पीछे वाला बैठे वाला व्यक्ति है उसको हेलमेट कंपलसरी नहीं है, पर जब भी एक्सीडेंट हुए हैं तो जो पीछे वाला बैठे वाला व्यक्ति होता है उसको ही ज़्यादा चोट लगती है, उसकी ही कैजुअल्टी होती है। तो एक तो हम ये शुरू करने वाले हैं कि अब दोनों को जो है हेलमेट कंपलसरी है, और 15 मार्च तक हम सबसे अपील करेंगे कि आप अपने हेलमेट खरीदें और सब अपने और अपने साथ वाले जो आपके मित्र हैं, सज्जन हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी आपके साथ स्कूटी में बाइक में सफ़र करते हैं, उनका ध्यान रखें। देखिए, जो सुरक्षित हूँ मैं ये जो कैंपेन है, इसमें ये सब इंक्लूसिव ऑफ ऑल थिंग्स है कि इसमें हम हेलमेट भी पहनें, हम अपनी बाइक को तेज रफ्तार से भी ना चलाएं, हम अपनी गाड़ी को भी तेज़ रफ्तार से ना चलाएं, मोबाइल का इस्तेमाल भी ना करें। पर आपने भी देखा होगा कि हेलमेट कुछ लोगों ने अगर पहना भी है तो कान पे मोबाइल लगा के चले होते हैं, वो सोचते हैं कि हेलमेट तो हमने पहना है, पर इससे ध्यान भटकने वाली बात होती है। तो इसको हम सभी तरीके से, हम जैसे आने वाले समय में स्कूल भी लगने वाले हैं, स्कूलों कॉलेजों में भी लोगों को अवेयर करेंगे और सभी को, अभी हम 15 मार्च तक सभी को अपील करते हैं और सभी को अपील ही करेंगे। और क्योंकि जो नई जनरेशन है उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, मुझे लगता है कि वो हमारे दोस्त हैं, हम भी पुलिस उनके दोस्त हैं, तो हम एक दोस्ताना व्यवहार में उनके साथ ना कोई कार्रवाई करते हुए तो उनको सबको मोटिवेट करेंगे कि वो अपना ध्यान खुद रखें।